इन सब चीजों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं, तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी इस चीज में क्यों लगाई गई? मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते दिनों पटवारी प्रसन्न सिंह की रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक पटवारी के घर में मातम पसरा है, पत्नी और मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक पटवारी प्रसन्न की बड़ी बेटी प्रिया बिलखती माँ और छोटे भाइयों को संभालते प्रशासन से सवाल पूछ रही है। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। शहडोल जिले के देवलोन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल को रेत माफियों ने ट्रैक्टर से कुचल दिया। पटवारी की मौके पर मौत हो गई थी। पटवारी के घर में मातम पसरा है, पत्नी और मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पटवारी प्रसन्न के चार बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी प्रिया माँ और छोटे भाइयों को संभालते हुए प्रशासन से सवाल पूछ रही है कि मेरे पापा को ही रात में क्यों भेजा। मृतक पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की बेटी प्रिया ने प्रशासन से सवाल पूछते हुए कहा कि इन सब कामों के लिए पुलिस और कई फोर्स भी बनाई गई है, तो पटवारी का काम अलग है, तो फिर पटवारी की ड्यूटी अवैध खनन रोकने के लिए नाइट में क्यों लगाई गई है? प्रिया का कहना है कि इस काम के लिए पटवारियों को ही क्यों भेजा जाता है। प्रिया ने कहा कि मैं कई सालों से यह देखती आ रही हूँ। प्रिया ने कहा कि मेरे पापा को नाइट ड्यूटी में कभी भी बुलाया जाता था। प्रिया ने यह भी कहा कि रात भर भी ड्यूटी करते थे, फिर दिन में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। पापा के साथ पुलिस भी नहीं थी। पटवारी की बेटी प्रिया ने रोते हुए कहा कि खनन रोकने के लिए मेरे पापा की ड्यूटी लगाई जाती थी, तब उनके पास पुलिस भी नहीं रहती थी। प्रिया का कहना है कि पुलिस साथ होती तो मेरे पापा के साथ ही घटना नहीं होती। मेरे पापा के साथ जो हुआ इस पर कार्रवाई हो। मृतक पटवारी प्रसन्न सिंह की बेटी ने प्रशासन से गुहार लगाई कि मेरे पापा के साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो, इसके लिए वह प्रशासन कार्रवाई करे। ये है कि इन सब चीजों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं, तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी इस चीज में क्यों लगाई गई? तो इसमें हमें पुलिस को लगाना चाहिए, पुलिस फोर्स लगानी चाहिए, या फिर कोई दूसरी फोर्स? बहुत सारी फोर्सेस आज इंडिया में प्रेजेंट है, तो रात भर, मतलब ये पहली बार नहीं है कहीं। मैं बहुत पिछले बहुत सालों से ये चीज नोटिस कर रही हूँ और देखती आ रही हूँ। मेरे पापा को नाइट ड्यूटी में कभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब कितने भी पटवारी हैं, ग्रुप पटवारी का बुलाया जाता है, टीम बुलाई जाती है, पूरी रात वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, फिर डे में उनकी दूसरी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में ये तो पुलिस का काम हुआ ना कि वो जाके नाइट ड्यूटी वहाँ पे इन सब चीज़ों को पकड़े। पुलिस साथ में नहीं थी क्या? पुलिस साथ में नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे टीम मेंबर्स थे। घटना अब ये तो नहीं पता, लाइक अब हमें हमारा कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पे, रात के 1-1.5 बजे की बात है, वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट, पुलिस साथ होती तो ये घटना नहीं होती क्या? हाँ, पुलिस होती तो नहीं होती। ये गवर्नमेंट की लापरवाही और उनके टीम मेंबर्स की भी लापरवाही है। और मैं यही बस एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे पुलिस मेंबर्स को साथ में होना चाहिए, मतलब पुलिस को भेजना चाहिए था पटवारी की जगह, क्योंकि पटवारी का काम बहुत अलग है और पुलिस का काम यहाँ पे बनता है, जो भी हुआ आज यहाँ पे। पहली बात तो ये सब, इन सब चीज़ों के लिए पुलिस फोर्स की नाइट ड्यूटी लगाई जाए, तो इसमें पटवारी का कोई हाथ नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मैं ऐसी कार्रवाई करें कि जो भी आज मेरे पापा के साथ हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाए, जैसे कि आज हमारे, मतलब मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरी मम्मी, मेरे ट्विंस भाई और मैं, मेरी बहन और मैं, बस इतने लोग हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अब पटवारी की जगह पुलिस फोर्स लगाई जाए, पुलिस को, तो ज़्यादा सही रहेगा।